हम लोग बात कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके रिगार्डिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में एक डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर चुके हैं, उसको आप सुन सकते हैं। अभी एक दो दिन में जैसे ही सैटरडे संडे तक वो अपलोड हो जाएगा गूगल क्लासरूम पे, राइट। तो उसको आप एक बार चेक कर सकते हैं और उसमें कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। उसी से कंटिन्यूएशन में हम लोग ये एक और टू सिलिक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। बेसिकली द इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेव कैन बी एग्जिबिटेड बाय टू सिलिक एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली एनालोगस टू यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ लाइट। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन बीम से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, राइट। बट जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने प्लस टू में पढ़ रखे हैं दैट इज ड्यू टू लाइट, राइट। So this is the most straightforward and direct evidence of the wave nature of electrons. तो यहाँ पर आप डायग्राम में चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन है जो कि एक फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रही है, उसके फ्रंट पे दो स्लिट है, स्लिट S1 एंड S2। देखो ज्यादा इसमें डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊँगा, आपके सिलेबस में ये नहीं है, बट मैं इसलिए बॉदर कर रहा हूँ कि सो दैट आपको पता लगे जो चीजें पहले से आपने पढ़ रखे हैं उसको यूटिलाइज करके आप डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस का एक्सप्लेनेशन आप डिफेंड कर सकते हो कि ऑफ कोर्स डी ब्रॉग्ली हाइपोथेसिस इज राइट, देयर इज एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ दैट थिंग्स, राइट। सो दो स्लिट्स हैं तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे इंसिडेंट होगा, राइट। तो फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, राइट। इंटरफेरेंस कोई ना कोई यहाँ पर पैटर्न होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाएगा, तो इंटरफेरेंस पैटर्न इस तरह का दिखेगा। तो इंटरफेरेंस पैटर्न तभी बनता है जब कोई वेव सुपर इम्पोज होता है, राइट। अगर किसी मीडियम में कोई दो वेव प्रोपेगेट कर रहा है तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे वो सुपर इम्पोज होना है, दैट मीन्स कि आइदर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी मिनिमा होगी, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी उसकी मैक्सिमा होगी, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी जो कि नेक्स्ट पेज पे यही सारी बातें यहाँ पर बताई गई है, तो मैं इसको जस्ट डिक्लेयर कर देता हूँ एक बार। The electron gun provides a very fine beam of electrons, as you know, is allowed to pass through the two slits S1 and S2, right? The electrons after passing through the slits interfere with each other, and hence interference pattern is obtained on the photographic plate P, right? The whole apparatus is placed in the highly evacuated chamber, so the electrons emitted from the electron gun travel to the photographic plate or screen without any collision in the path. ये जो कहानी लिखी गई है ये इसका मतलब हुआ कि जो पाथ इलेक्ट्रॉन का जो स्लिट से जब इमिट हो रहा है फोटोग्राफिक प्लेट पे इंसिडेंट हो रहा है तो इन बिटवीन कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा, कोई भी पार्टिकल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सेलरेटेड बीम है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, राइट। तो डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही है फोटोग्राफिक प्लेट पे। The interference fringes on the photographic plate are absorbed with an electron microscope, right? Absorbed with an electron microscope. Interference pattern fringes कहाँ perform होंगे? उसको observe कर सकते हैं photographic plate से, right? These interference fringes indicate the wave nature of electrons. देखो क्योंकि ये जो fringes formation हुआ, जो previous pages पे diagram आपको दिखाए थे, वो फ्रिंजेस क्यों हुआ, दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। अगर मान लीजिए कि हमने इलेक्ट्रॉन बीम की वहां पर बात की तो मोर देन टू वेव्स कहीं पर अगर सुपर इम्पोज होंगे दैट मीन्स इंटरफियर फिनोमेना होगा। इंटरफियर का मतलब, इंटरफेरेंस का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स कि मीडियम में अगर कोई पार्टिकल प्रोपेगेट कर रहा है तो उसके पास दैट मीन्स कि एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन है, मास है, वेलोसिटी है, उसके पास एनर्जी है, राइट। तो उस एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट मीन्स कि वो एनर्जी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, राइट। सो द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज इज आल्सो शोन इन द फिगर दिस वन, प्रीवियस पेज पे
इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का यहाँ पर रिप्रेजेंटेड था, ये जो इंटेंसिटी पैटर्न भी रिप्रेजेंटेड है, राइट। ये फोटोग्राफिक प्लेट को ऑब्जर्व किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेड, राइट। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि अब आपके पास इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन, ये तो फिनोमिना जब एक्सपेरिमेंट आप करोगे, कहीं पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तब आपकी बात है। ऐसे आपने दो टू स्लिट एक्सपेरिमेंट और डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी 1927 में ये वेरीफाई इस हाइपोथेसिस का कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर मीडियम में प्रोपेगेट करता है, मीडियम इन दैट मीन्स कि कहीं मटेरियल पार्टिकल कोई भी प्रोपेगेट करता है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगा, राइट। तो ज्यादा टाइम ना उसमें आगाते हुए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वेलोसिटी ऑफ वी प्रॉब्ली वेव। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी जो हम लोग टॉपिक अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ डी प्रॉब्ली वेव्स। यहाँ भी कंट्राडिक्शन एक आएगा जिससे एक और नया प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए, दैट इज वेव पैकेट्स ऑफ वेव ग्रुप। मतलब ये सब चीजें अगर सिस्टमैटिक अगर आपको समझ में आ रही है क्वांटम फिजिक्स में तो बहुत ही वेल एंड गुड है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप तैयार हो जाइए उसको समझने के लिए, मेरे से क्वेश्चन पूछने के लिए बॉदरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो इन फ्यूचर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर लर्न ही करना पड़ेगा, राइट। कोई भी चीज अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रही तो आप 10 बार पूछो, जब तक समझ में नहीं आता आप पूछते रहो, राइट। अपने कलीग से पूछ सकते हो, अपने क्लासमेट से, फ्रेंड से, या फिर घर पे कोई और भी अगर पढ़ा सकता है, आपको गाइड कर सकता है, तो उससे भी आप पूछ सकते हैं, राइट। सो जो वेव यहाँ पर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, यानी पार्टिकल है, उसके साथ वेव नेचर है, उसके साथ पार्टिकल नेचर है, साइमल्टेनियसली हम दोनों को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। इधर हम वेव नेचर को बता सकते हैं या फिर पार्टिकल नेचर को बता सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो इस वेव की वेलोसिटी कितनी होगी, ये जो वेव है डी प्रॉब्ली वेव है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या ये जो मैथमेटिकल टास्क है या क्या वो सही है, तो अगर सही नहीं होगा, कंट्राडिक्शन होगा, तो उसी से कॉन्सेप्ट आएगा वेव पैकेट एंड वेव ग्रुप, और फिर उसके वेव एंड ग्रुप वेलोसिटी, दैट मींस कि यहाँ पर वेव ग्रुप हो गया, ये वेव पैकेट हो गया, तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, राइट। तो वेलोसिटी होगी तो उस वेलोसिटी को मैथमेटिकली हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हम कहेंगे कि अच्छा जी वो पार्टिकल कहाँ पर है, तो पार्टिकल को हम एग्जैक्ट उसका पोजीशन, उसका लोकेशन, उसका मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो फिर जेनेसिस होगा हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो आप रेडी रहिए, ये बैकग्राउंड है आपके कॉन्सेप्ट है, और इवन एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये थोड़ा सा अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो ये जो प्रीवियस जो वेलोसिटी ऑफ डी प्रॉब्ली वेव है बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, जरा मैं एक बार टाइम चेक कर लो, 45 हो रहा, राइट। तो अभी हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में ये फिनिश कर लेंगे, फिर दोबारा कनेक्ट करके आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो हम लोगों ने पढ़े थे कि अकॉर्डिंग टू डी प्रॉब्ली वेव ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, दैट इज द डी प्रॉब्ली वेवलेंथ, मटेरियल पार्टिकल के साथ वेवलेंथ कितना होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एंड एच इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट, एम इज द मास ऑफ दैट मटेरियल पार्टिकल, एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, राइट। तो यहाँ पर सारा कुछ मेंशनड है, ये हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, बट रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एंड पी इज इक्वल टू एम सी, रिलेटिविस्टिक मास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। तो ये सब ध्यान रखिएगा साथ ही साथ। तो हम इस चीज को अभी जस्ट रिकॉल कर रहे हैं, यहाँ पर इसको कोरिलेट करेंगे आगे चलते, राइट। तो लेट ई बी द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, देन द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, अगर उस पार्टिकल की एनर्जी ई है और उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, देन एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू, सिंपल, देन न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एच, इसी फॉर्मुलेशन से ये आ गया सिंपल, राइट।
और एक फॉर्मुलेशन हमने पढ़ रखा है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, दैट मींस कि एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये आप लोग को फॉर्मूला तो बहुत ही पहले से मालूम है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन एच। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़े थे, नीव इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये अपने पढ़ रखे हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, राइट। और इफ वीपी इज द वेलोसिटी ऑफ द डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेव इज द पी फॉर पार्टिकल, राइट। पार्टिकल दैट मीन्स पार्टिकल के साथ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड है, राइट। तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, उस डी ब्रॉगली वेव की वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज वीपी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इस तरह से c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है, उसी तरह से वीपी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, राइट। तो इस वाले फॉर्मूला में इस फॉर्मुलेशन में जस्ट न्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एम सी स्क्वायर अपॉन एच, और लैम्डा की वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, राइट। तो ये फॉर्मूला आ गया, वीपी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन एच रखिए वैल्यू, लैम्डा एच अपॉन एम वी, राइट। तो एच एच कैंसिल आउट हो गया, मास भी कैंसिल आउट हो गया, दैट इज सी स्क्वायर अपॉन वी। दैट मीन्स कि जो डी ब्रॉगली वेव था, यहाँ पर वीपी इज द वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेव की वेलोसिटी कितनी आ गई थी, वीपी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी, राइट। ये ध्यान रखिएगा, v इज द वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल एंड vb इज द वेलोसिटी ऑफ d ब्रॉगली वेव एंड c स्क्वायर इज द स्पीड ऑफ लाइट बाय मॉरियर, दैट इज 3 into 10 to 48 मीटर पर सेकंड, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर कितनी इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पर आया, ये जो इक्वेशंस है 1.20 यहाँ पर मेंशनड है। So it is clear that the velocity of the de Broglie wave or matter wave is greater than the velocity of light in vacuum. क्योंकि ये c square है, right? और ये v है, ये जितनी भी हो, v तो c से ज्यादा नहीं होगी, है ना? ये हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। ये जो material particle है, जो material particle की जो velocity है, वो हमेशा less than c होता है, right? तो यहाँ तो हमने कह दिया कि c स्क्वायर की बात कर रहे हैं जी, c स्क्वायर तो 3 × 10⁸ का स्क्वायर कर दो और ये v उससे कम होगा, तो ये तो फिर बहुत ज्यादा आएगा। ये जो वेलोसिटी ऑफ d ब्रॉगली वेव दैट विल बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये तो हम लोगों ने जो डी ब्रॉगली वेव का वेवलेंथ सॉरी वेलोसिटी यहाँ पर कैलकुलेट किए मैथमेटिकली, तो मैथमेटिक्स तो यहाँ पर इसको गलत हो गया, है ना। जो यहाँ पर वीपी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी, अगर इसको हम स्क्वायर कर दिए यहाँ पर, अब कोई भी वैल्यू इवन 3 × 10⁸ ही कह दो कि इतने से ही मूव कर दिया, फिर भी 3 × 10⁸ तो आ ही जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है ना। मैं अगर थोड़े देर के लिए भी बोल दूं कि इसको हमने इक्वल कर दिया, स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करने लगा वो पार्टिकल डी ब्रॉगली वेव इतने 3 × 10⁴, तो ये एक तो कैंसिल आउट हो गया, फिर भी ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इम्पॉसिबल है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि पार्टिकल मतलब स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा मोशन करने लगे। अब यहाँ पर ये देखो, इस लिखा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द मैटर वेव इज ग्रेटर और इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन द वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल विल मूव फास्टर देन द पार्टिकल इटसेल्फ, दस लीविंग द पार्टिकल फार बिहाइंड, हेंस अ मटेरियल पार्टिकल cannot be equivalent to a single wave train. जो जिस जिस स्टूडेंट को ये बात समझ में आ जाएगी ना, बस वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाना है उसको क्वांटम में, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग यहाँ पर बातें बताई गई है, इसको अब एक एक वर्ड समझो, कई सारी इसमें कॉन्सेप्चुअल टर्म मेंशनड है, उसको समझने की जरूरत है। हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि अगर पार्टिकल जो मोशन कर रहा है, राइट, और उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है
उस वेव की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के से भी ज्यादा हो जाएगी, तो ये तो वेव कहीं और चला गया, पार्टिकल पीछे ही रह गया, है ना। तो इसलिए क्या है कि ये पॉसिबल इस तरह का नहीं है, इस तरह का कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है। हेंस अ मटेरियल पार्टिकल कैनॉट बी इक्विवेलेंट टू अ सिंगल वेव ट्रेन। हम ये कह नहीं कह सकते, जो मैं ये डायग्राम इस तरह से बना के समझा रहा हूं ना, तो ये इस तरह का पॉसिबल नहीं है, ये सिंगल वेव ट्रेन नहीं है। वेव एक सिंगल वेव नहीं है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ वेव, दैट इज अ ग्रुप ऑफ वेव एंड दैट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से जो ग्रुप ऑफ वेव प्रोपेगेट करेगा मीडियम में, दैट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। तो ये जो कंट्राडिक्शन यहाँ पर जनरेट हुआ, इसके वजह से नेक्स्ट टॉपिक का जेनेसिस हुआ, राइट, यहाँ पर दैट इज वेव पैकेट और वेव ग्रुप, राइट। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर टाइम और आपको इन्वेस्ट करके इसको एक बार बॉदर कर देना है। If the velocity of the matter wave is greater or equal to the velocity of light, ये जो v है, अगर ये matter wave की velocity either c से ज्यादा हो या फिर equal हो, then the wave associated with the particle, that means either electron की बात कर लें, क्योंकि electron के साथ wave associated होता है, will move faster. जो wave होगी वो particle से बहुत ही fast move करेगी, than the particle, right? Itself, पार्टिकल से फास्ट कौन मूव करेगा, वेव, क्योंकि हमने तो कहा कि हर एक मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है। यहाँ पर जो मैथमेटिक्स फाइंड आउट किए उसमें तो ये पता लगा कि वेव तो आगे निकल जाने हैं और मटेरियल पार्टिकल बिहाइंड ही रह जाने हैं, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अरे जी ये तो पार्टिकल के साथ मैंने इस तरह का एक वेव सिंगल वेव रिप्रेजेंट करके से समझा रहा हूँ, ये ऐसी बातें नहीं है। यहाँ पर वो ग्रुप ऑफ वेव है जिसके इनसाइड में पार्टिकल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इसको एक बार आप चेकआउट करेंगे, राइट। इसमें अगर कोई डाउट रहता है तो आप 11 बजे के बाद पूछ लेंगे, और अभी आप मीटिंग लेफ्ट हो जाएंगे तो फिर दोबारा कनेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो आप लोग, मैं अभी ये मीटिंग लेफ्ट ही कर देता हूँ क्योंकि ये ऊपर इन्फॉर्म ही कर रहे हैं।